नमस्कार जी। पिछले कई दिनों से मैं सरकार की अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से चर्चा कर रहा हूं। सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं उनका लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है ये और बेहतर तरीके से हमें पता चलता है। जनता जनार्दन से डायरेक्ट कनेक्शन का यही लाभ होता है। इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, देश भर के अनेक राज्यों से उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, लेफ्टिनेंट गवर्नर और उप मुख्यमंत्रीगण, राज्य सरकारों के मंत्री, अन्य महानुभाव, देश भर से जुड़े किसान और भाइयों बहनों, आज देश के लगभग 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 19,500 करोड़ रुपए के से भी अधिक ये रकम सीधी उनके खाते में ट्रांसफर हो गई है। और मैं देख रहा हूं कई अपने मोबाइल में चेक कर रहे हैं आया क्या, और फिर एक दूसरे को ताली दे रहे हैं। आज जब बारिश का मौसम है और बुआई भी जोरों पर है तो ये राशि छोटे किसानों के बहुत काम आएगी। आज 1,00,000 करोड़ रुपए के कृषि ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी एक साल पूरा हो गया है। इसके माध्यम से हजारों किसान संगठनों को मदद मिल रही है। भाई और बहनों, सरकार किसानों को अतिरिक्त आय के साधन देने के लिए, नई नई फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मिशन हनी बी ऐसा ही एक अभियान है। मिशन हनी बी के चलते बीते साल हमने लगभग 700 करोड़ रुपए के शहद का एक्सपोर्ट किया है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय हुई है। जम्मू कश्मीर का केसर तो वैसे भी विश्व प्रसिद्ध है। अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर का केसर देश भर में नाफेड़ की दुकानों पर उपलब्ध होगा। इससे जम्मू कश्मीर में केसर की खेती को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, आप सभी से ये संवाद ऐसे समय में हो रहा है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब से कुछ दिन बाद ही 15 अगस्त आने वाला है। इस बार देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे लिए गौरव का तो है ही, ये नए संकल्पों, नए लक्ष्यों का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर पर हमें ये तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं। देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा 2047 में, 2047 में, तब भारत की स्थिति क्या होगी ये तय करने में हमारी खेती, हमारे गांव, हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये समय भारत की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके। भाइयों और बहनों, इस दौर में बहुत तेजी से हो रहे बदलावों को हम सभी साक्षी हैं। चाहे मौसम और प्रकृति से जुड़े बदलाव हो,
खानपान से जुड़े बदलाव हो या फिर महामारी के कारण पूरी दुनिया में हो रहे बदलाव हो, हमने बीते 1.5 वर्ष में कोरोना महामारी के दौरान इसको अनुभव भी किया है। इस कालखंड में देश में ही खान पान की आदतों को लेकर बहुत जागरूकता आई है। मोटे अनाज की, सब्जियों और फलों की, मसालों की, ऑर्गेनिक उत्पादों की डिमांड अब तेजी से बढ़ रही है। इसलिए भारतीय कृषि उसको भी अब इसी बदलती आवश्यकताओं और बदलती मांग के हिसाब से बदलना ही है। और मुझे हमेशा से विश्वास है कि हमारे देश के किसान इन बदलावों को जरूर आत्मसात करेंगे। साथियों, इस महामारी के दौरान भी हमने भारत के किसानों का सामर्थ्य देखा है। रिकॉर्ड उत्पादन के बीच सरकार ने भी प्रयास किया है कि किसानों की परेशानी कम से कम हो। सरकार ने खेती और इससे जुड़े हर सेक्टर को बीज, खाद से लेकर अपनी उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, उपाय किए हैं। यूरिया की सप्लाई निर्बाध रखी, डीएपी जिसके दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस कोरोना के चलते कई गुना बढ़ गए, उसका बोझ भी हमारी सरकार ने किसानों पर पड़ने नहीं दिया। सरकार ने तुरंत इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया। साथियों, सरकार ने खरीफ हो या रबी सीजन, किसानों से एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। इससे धान किसानों के खेतों में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए और गेहूं किसानों के खाते में लगभग 85,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचे हैं। किसान और सरकार की इसी साझेदारी के कारण आज भारत के अन्न भंडार भरे हुए हैं। लेकिन साथियों, हमने देखा है कि सिर्फ गेहूं, चावल, चीनी में ही आत्मनिर्भरता काफी नहीं है, बल्कि दाल और तेल में भी आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। और भारत के किसान ये करके दिखा सकते हैं। मुझे याद है कि कुछ साल पहले जब देश में दालों की बहुत कमी हो गई थी, तो मैंने देश के किसानों से दाल उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया था। मेरे उस आग्रह को देश के किसानों ने स्वीकार किया। परिणाम ये हुआ कि बीते 6 साल में देश में दाल के उत्पादन में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। जो काम हमने दलहन में किया या अतीत में गेहूं धान को लेकर किया, अब हमें वही संकल्प खाने के तेल के उत्पादन के लिए भी लेना है। ये खाद्य तेल में हमारा देश आत्मनिर्भर हो, इसके लिए हमें तेजी से काम करना है। भाइयों और बहनों, खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। आज देश
भारत छोड़ो आंदोलन को याद कर रहा है तो इस ऐतिहासिक दिन ये संकल्प हमें नई ऊर्जा से भर देता है। इस मिशन के माध्यम से खाने के तेल से जुड़े इकोसिस्टम पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उत्तम बीज से लेकर टेक्नोलॉजी उसकी हर सुविधा मिले। इस मिशन के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहन देने के साथ ही हमारी जो अन्य पारंपरिक तिलहन फसलें हैं उसकी खेती को भी विस्तार दिया जाएगा। साथियों, आज भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप 10 देशों में पहुंचा है, पहले 10 देशों में पहुंचा है। कोरोना काल में ही देश ने कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आज जब भारत की पहचान एक बड़े कृषि निर्यातक देश की बन रही है, तब हम खाद्य तेल की अपनी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहें ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसमें भी आयातित ऑयल पाम ऑयल का हिस्सा 55% से अधिक है। इस स्थिति को हमें बदलना है। खाने का तेल खरीदने के लिए हमें जो हजारों करोड़ रुपए विदेश में दूसरों को देना पड़ता है वो देश के किसानों को ही मिलना चाहिए। भारत में पाम ऑयल खेती के लिए हर जरूरी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से इसे बहुत बढ़ाया जा सकता है। ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। साथियों, खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के इस मिशन के अनेक लाभ है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बल देगा। विशेष रूप से फ्रेश फ्रूट बंच प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों का विस्तार होगा। जिन राज्यों में पाम ऑयल की खेती होगी वहां ट्रांसपोर्ट से लेकर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में युवाओं को अनेक रोजगार मिलेगा। भाइयों और बहनों, ऑयल पाम की खेती का बहुत बड़ा लाभ देश के छोटे किसानों को मिलेगा। ऑयल पाम का प्रति हेक्टर उत्पादन बाकी तिलहन फसलों की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। यानी ऑयल पाम मिशन से बहुत छोटे से हिस्से में ज्यादा फसल लेकर छोटे किसान बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। साथियों, ये आप भली भांति जानते हैं कि देश के 80% से अधिक किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक ही जमीन है। आने वाले 25 साल में देश की कृषि को समृद्ध करने में इन छोटे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। इसलिए अब देश की कृषि नीतियों में इन छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी भावनाओं के साथ
बीते सालों में छोटे किसानों को सुविधा और सुरक्षा देने का एक गंभीर प्रयास किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं। इसमें लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए तो कोरोना के मुश्किल समय में ही छोटे किसानों तक पहुंचे हैं। यही नहीं, कोरोना काल में ही 2 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिनमें से अधिकतर छोटे किसान हैं। इनके माध्यम से किसानों ने हजारों करोड़ रुपए का ऋण भी लिया है। कल्पना कीजिए, अगर ये मदद छोटे किसानों को ना मिलती तो 100 वर्ष की इस सबसे बड़ी आपदा में उनकी क्या स्थिति होती? उन्हें छोटी छोटी जरूरतों के लिए कहां कहां नहीं भटकना पड़ता। भाइयों और बहनों, आज जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, या फिर जो बड़े बड़े फूड पार्क लग रहे हैं, इनका बहुत बड़ा लाभ छोटे किसानों को ही हो रहा है। आज देश में विशेष किसान रेल चल रही है। इन ट्रेनों से हजारों किसानों ने अपना उत्पाद कम कीमत में, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत कम, देश की बड़ी बड़ी मंडियों तक पहुंचाकर अधिक कीमत से माल बेचा है। इसी प्रकार जो विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसके तहत भी छोटे किसानों के लिए आधुनिक भंडारण की सुविधाएं तैयार हो रही है। बीते साल में 6,500 से अधिक प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुके हैं। ये प्रोजेक्ट जिनको मिले हैं उनमें किसान भी हैं, किसानों की सोसाइटी और किसान उत्पादक संघ भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है और स्टार्टअप्स भी हैं। हाल में एक और बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने तय किया है कि जो राज्यों में हमारी सरकारी मंडियां हैं, उनको भी इस फंड से मदद मिल सके। इस फंड का उपयोग करके हमारी सरकारी मंडियां बेहतर होगी, ज्यादा मजबूत होगी, आधुनिक होगी। भाइयों और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो या फिर 10,000 किसान उत्पादक संघों का निर्माण, कोशिश यही है कि छोटे किसानों की ताकत को बढ़ाया जाए, छोटे किसानों की बाजार तक पहुंच भी अधिक हो और बाजार में मोल भाव करने की उनकी क्षमता भी वृद्धि हो। जब एफपीओस के माध्यम से, सहकारी तंत्र से सैकड़ों छोटे किसान एकजुट होंगे तो उनकी ताकत सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी। इससे फूड प्रोसेसिंग हो या फिर निर्यात, इसमें किसानों की दूसरों पर निर्भरता कम होगी। वो स्वयं भी सीधे विदेशी बाजार में अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। बंधनों से मुक्त होकर ही देश के किसान और तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। इसी भावना के साथ हमें आने वाले 25 साल का एक संकल्प को सिद्ध करना है। तिलहन में आत्मनिर्भरता के मिशन में हमें अभी से जुट जाना है।
एक बार फिर पीएम किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।